तो गाइस यश व्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं बंदे। तो है गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो गाइस आज हम आ चुके हैं अजमेर। अजमेर किस काम जा है तो वो देखिए। अजमेर गए, हम गए थे पार्थ शर्मा से मिलने। अब आप पूछोगे वो कौन है, तो आप वो मेगल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम की वीडियो कुछ ऐसी है। यू नो व्हाट, यू लुक लाइक बफेलो। बफेलो सब्सक्राइबर है कुछ 1,65,000 के समथिंग उनके सब्सक्राइबर है। और हाँ, यहाँ से हम अजमेर किस में गए तो हम अजमेर में कौन कौन आए हैं? तो हमारे साथ आया है शुभम और बिट्टू भैया, बड़े भैया है, और हमारे बड़े भैया धीरज भैया भी अपने साथ है। यहाँ से अजमेर जाने के बाद हमने उनको किया कॉल, कॉल पर हमें कुछ टाइम मिला ये। हम आदर्श नगर उनसे पूरी प्रॉपर बात करके आया हूँ और हमने उनसे कॉल पर बात की है। वो कह रहे हैं मेरे को आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे बाद हम उनसे मिलेंगे और कुछ क्रेजी से सवाल पूछेंगे। तो आप देखते रहिए ब्लॉग को एंड तक। अब मैं ज्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, अब मैं सीधा उनसे मीटअप करके ही आपको बताऊंगा। One hour later. कॉल करने के बाद हमें काफी टाइम तक वेट करना पड़ा, वो नहीं आए। फिर हुआ कुछ ऐसा, मिल चुके हैं पार्थ शर्मा, जिसकी आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, ओमेगल पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। और अभी भैया आ चुके हैं, काफी टाइम वेट किया और बाद में भैया आ गए। तो भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। हम भैया से ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, बस इतना पूछेंगे कि भैया आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था और कब आपको ग्रोथ मिलने लगी? मतलब हर वीडियो पे मुश्किल से 150 या 200 व्यूज आते थे, फिर एक साल तक उस पर काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि कंटेंट चेंज करते हैं, तो फिर एक नया चैनल बनाया मैंने, वो भी पार्थ शर्मा के नाम से था। उस पर मैंने स्टार्टिंग में गेमिंग का कंटेंट डाला, वो भी कुछ खास चला नहीं। ओमेगल वीडियो बनाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? ओमेगल वीडियो मतलब एक साल हो गया शायद। एक साल में इतनी ग्रोथ मिल गई आपको, और ये फील्ड के बारे में आपको किसी ने वो डिस्कस किया था या आपने खुद से लिए? मतलब ऐसा था कि अब अपन यूट्यूब चलाते तो देखते रहते कि अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ऐसे ओमेगल तो ये वीडियो सामने आ गई थी मेरे, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई बना लेता हूँ। वैसे आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो वीडियोस के अंदर, मैंने देखी आपकी वीडियो। आपके ओमेगल फील्ड में भी अब बहुत सारे वो जुड़ने लगे हैं, ध्रुवी नंदा जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। स्टार्टिंग में मतलब मुश्किल से 3 या 4 क्रिएटर ही मुझे पता है जो ओमेगल बनाते थे एक साल पहले, अब तो बहुत सारे लोग बनाने लगे। अच्छा, और गाइस हमने भैया से पूछा था कि आप मंथली यूट्यूब से कितना अर्न कर लेते हो? तो भैया ने हमें ये बताया कि मैं मंथली तो नहीं लेकिन 2-3 महीने की अर्निंग मिला के मैं एक ये ले सकता हूँ। तो भैया ने हमें कहा कि मैं 2 से 3 महीने की अर्निंग मिला के एक बुलेट आसानी से ले सकता हूँ। तो गाइस यश व्लॉग को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, बहुत मेहनत कर रहे हैं बंदे, व्यूअर्स आए हैं कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू भैया, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, सबकी सपोर्ट। तो हमको बहुत अच्छा लगा उनका नेचर, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको कोऑपरेट किया, जो व्लॉग बनाए उनके साथ बहुत ही अच्छा बनाए, कितने हम्बल पर्सन है ना तो हमें बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। तो गाइस ये पार्थ शर्मा के साथ आपको मीटअप व्लॉग कैसा लगा? और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि मिस्टर इंडियन एकर के साथ अपना एक सरप्राइज व्लॉग आने वाला है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल बने हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही मिस्टर इंडियन एकर के साथ अपना सरप्राइज व्लॉग आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फटाफट से वो व्लॉग देख सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखो